FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान, जो कि हमारे उत्तराखंड स्टेट के देहरादून ज़िले में है और ये 1906 से फॉरेस्ट्री पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हैं ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर टाइप से। और इसका जो ब्रिक स्ट्रक्चर है लाल ईंटों वाला, ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, इसलिए गिनीज बुक में भी लिस्टेड है। और इसका मोनोक्रोम स्टाइल आर्किटेक्चर का इसको और सुंदर बनाता है। यहाँ की जो लाल ईंटों की सिमेट्री है वो भी काफ़ी देखने लायक है। और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च वर्क के लिए फॉरेस्ट्री में। यहाँ पे 4-5 टाइप के म्यूज़ियम हैं जो कि सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकते। तो चलते हैं मेरे साथ FRI। तो हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते। आज हम देहरादून में आए हैं FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये अपना यूपी का भाई मिल गया है यहाँ पे हमारे को। भाई का नाम है विनय कुमार। और मैं सोच रहा हूँ इस भाई के साथ ही घूमते हैं मैं FRI। ठीक है भाई, कंफर्टेबल है? चलो ठीक है, फिर चलते हैं। तो ये यहाँ पे पार्किंग की जगह है, तो यहाँ पे टिकट काउंटर है। और तो भाई से पूछेंगे, भाई जो आपका घर है मुरादाबाद में, वहाँ क्या है फेमस, उसके बारे में बताओ। पीतल नगरी बोलते हैं उसको मुरादाबाद, मतलब पीतल का सामान मिलता है। तो चलो मुरादाबाद में भी जाएंगे कभी। अब आप मिल गए तो क्या पता मैं आई जाऊँ मुरादाबाद। ये FRI के बाहर इतना अच्छा नज़ारा है कि अल्टीमेट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम इस टाइम FRI के बिल्कुल सामने हैं और अंदर ना बिल्कुल साइलेंट जोन है। कृपया आप लोग भी आए तो यहाँ पे शोर ना मचाएं। मैं भी बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ ये बात, और बल्कि बाहर आके बोल रहा हूँ, अंदर तो मैंने आवाज़ भी नहीं निकाली। तो ये साइलेंट जोन है और ऐसा ही साइलेंट रखें इसको। तो यही है, बाकी बहुत सुंदर है अंदर से। इतना अच्छा आर्किटेक्चर मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे इंडिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बट ये बिल्डिंग मूवी की शूटिंग भी होती है यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें सब कुछ है यहाँ। यहाँ पे FRI है इंस्टीट्यूट अपना, और यहाँ पे इग्निफा है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो विनय भाई को विदाई करते हैं। ठीक है विनय भाई, फिर है ना? ठीक है भाई, कैसा लगा मेरे से मिलके? बहुत बढ़िया। शर्मा मत यार। चल ठीक है भाई, भाई रखो पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना? पढ़ा कर आगे देख। ये है बैक साइड FRI की। ये है मेरा खास दोस्त अमन महाजन जूनियर। तो ये अभी हमारे को FRI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएगा। वैसे तो मैंने कुछ और चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन ये अच्छी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएगा, क्योंकि ये यहाँ से PhD कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट जेनेटिक्स। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या दिखाता है। ये जो हमारा आर्किटेक्चर है ये रोमन और ग्रीक टाइप का है। महाजन तेरे को पता होना चाहिए, ये एक्यूट टाइप की है, बट मैं चल इतना कोई देखेगा नहीं, बोर हो जाएंगे लोग इस इंफॉर्मेशन से। FRI में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, वहीं पे फोटो सेशन कर सकते हो। महाजन फोटो खींच दूँ तेरी? नहीं। भाई काफ़ी विजिटर आए हैं यहाँ तो, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत भीड़ होगी है, सुबह तो कुछ भी नहीं थी। तो महाजन कुछ यूनिकनेस बताया FRI के बारे में भाई लोगों को। यूनिक आज आ पाए हो, यूनिक बात हो गई। काम बोल भाई, क्या है? यहाँ पे क्या है महाजन, कैशफोस? हाँ, ये कैशफोस है स्टेट सर्विसेज के लिए ना। यहाँ पे जो ACF लगते हैं वो उनका यहाँ पे सेंटर है, हॉस्टल वहाँ, इग्निफा है, IFS। और यहाँ अपना खास जिगरी दोस्त है वरुण परवाल उर्फ चिंगारी। और महाजन ने मेरे को थोड़ा बोड़ा जैसा भी घुमा दिया। अभी बोल रहा कि सर इसके बदले मेरे को टेस्ट ड्राइव दो। तो भाई लोग बड़े चालू और तेज है, बंदा मान नहीं रहा कि तू घुमा फिर आगे बोल रहा कि सर टेस्ट ड्राइव दो। अभी हम घूमेंगे थोड़ा कैंपस। अच्छा कैंपस तो काफ़ी घूम ली वैसे, बार बार कैंपस के नाम पर घुमा रहा है। अभी रिव्यू कर रहा है मेरी गाड़ी का, बता दो। जजमेंट अच्छी लग रही है? जजमेंट अच्छी है गाड़ी की, चलाने में स्मूथ है।
बाकी टाटा पंच का रिव्यू देखना तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। बाकी मेरे को टाटा पंच को हो गया एक साल और मैंने 27,000 किलोमीटर चला दी है। बाकी और इसका रिव्यू भी करने वाला हूँ मैं जल्दी। ये ICFR ही है यहाँ पे राइट साइड में, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। अमन ने मेरे को बताया कि FRI के रोड काफ़ी ख़राब है, बताओ। बाकी गड्ढे बहुत हैं, अनस्टेबल सी हो रही होगी वीडियो, लग रहा होगा आपको फील। नहीं इतनी स्टेबलाइजेशन तो है कैमरे में। बट ये कि चल यार वैसे तो मेरे को काफी अच्छे रोड लग रहे हैं, बट कहीं कहीं है हाँ थोड़े थोड़े गड्ढे हैं। लेके जा रहा है कोलगढ़ गेट, कोलागढ़ गेट, कोलागढ़ गेट, सॉरी। अभी हम जा रहे हैं हमारे जेनेटिक्स डिवीजन, तो जेनेटिक्स वाले डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं अभी। तभी ये मेरी तारीफ कर रहा था, काम था इसको कोई। केंद्रीय पौधशाला सेंट्रल नर्सरी, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का यार, बिल्कुल सुकून मिल गया FRI में आके। यहाँ पे अपने गाइड को चेक कर रहा था ताकि फरलो मार्स के। ये हमारा जेनेटिक्स डिवीजन है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी FRI, जहाँ पे क्लासेस लगती हैं MSc। अच्छा, MSc वाली क्लासेस यहाँ लगती हैं मतलब FRI में। अच्छा, आजकल यहाँ FRI में लेपर्ड आया है, बट चल दिन में तो कहाँ ही दिखेगा। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं अमन? अभी हम जा रहे हैं गोल्फ कोर्स। अभी हम जा रहे हैं गोल्फ कोर्स में। वैसे विजिटर अलाउड नहीं है वहाँ पे, बट ये है कि अमन की चलती है ना। नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते। बार बार से दिखा रहा हूँ। ये गोल्फ कोर्स मतलब IMA का, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और FRI का है, दोनों का है। ना साइकिलिंग के बहुत सही मजे हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर साइकिल ही अलाउड है। वैसे तो स्कूटी भी आ रही है भाई, ये क्या सीन है? किसने बोला साइकिल अलाउड है? मैं सोचता था ऐसा होना चाहिए बट, कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल ही अलाउड हो। पोल्यूशन भी जो थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे वो भी कम। एक बोटैनिकल गार्डन है यहाँ पे, हर पेड़ के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी फैमिली का है, क्या नाम है, साइंटिफिक कॉमन नेम सब कुछ होगा। तो महाजन थोड़ा बिजी है तो अंदर तो नहीं जा सकते। तो अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सा हॉस्टल है, क्या क्या है यहाँ पे। ये शीशम है ये लेफ्ट वाला, तेरा राइट में है। तो महाजन के हॉस्टल चलते हैं, देखते हैं। FRI का गेस्ट हाउस है जो कि बड़ी मुश्किलों से बुक होता है। वैसे होता नहीं है। अपने अमन का हॉस्टल, और इसकी सबसे अच्छी खासियत पता क्या है? यहाँ ये इसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं है, इक्वालिटी है, को एड हॉस्टल है। बड़ी शांति है हॉस्टल में ना, सब तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब इस टाइम पे बिल्डिंग के बाहर बैठे हैं FRI की, और महाजन बोल रहा है कि सर अति होगी, मैं जा रहा हूँ। अब सर ने बोर कर दिया मेरे को बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है, अगर जनता को ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करें। FRI में ना साइकिल चलाने की बड़ी तगड़ी फील है, तो मेरे को भी ये फील करनी थी, तो मैं अब साइकिल चला रहा हूँ। बताएंगे कि इस जगह का नाम ट्राइब्स ऑफ इंडिया क्यों है, मतलब इस मार्केट का जो ये छोटी सी है, मतलब सारे बताएंगे भैया एक बार। ये जो है जो ट्राइबल जो लोग हैं वो मैं के बनाते हैं ये चीज़ें, अलग अलग स्टेट से बनाया जाता है ये, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑल ओवर कंट्री से हम ट्राइबल जो लोग होते हैं उनसे कनेक्ट करके, और फिर वो होता है ये काम होता है, वर्क होता है ये सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम। ये यहाँ पर इसके यहाँ पर आर्ट स्टोर है देहरादून के अंदर, मतलब कि जितने भी ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया की, वहाँ की चीज़ें प्रमोट करने के लिए मतलब है कि भाई उन लोगों की जो मतलब आर्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, जो अलग अलग जो आर्ट है यहाँ पर, जैसे असम का है शोरा पेंटिंग है, उड़ीसा की, और कुछ उत्तराखंड की भी आती है, और बाकी ताड़ के पत्तों की बनी हुई है
टर्न ऑफ उड़ीसा ताड़ के पत्ते बनाई बनाई जाती है पेंटिंग वगैरह मतलब यूनिक यूनिक आइटम मिल सकते हैं यहाँ। ठीक है, थैंक यू भैया।